हेडेक की दवाई ली है, बिकॉज हेडेक हो रहा था। एंड दिस इज फ्री मेडिकल कैंप हियर, आई डोंट नो, संत बलजीत जी समथिंग, एंड दिस इज फ्री मेडिकल कैंप। वी आर जस्ट हैव टू गो एंड आस्क एंड दे विल टेल यू एवरी डिटेल व्हाट यू हैपन एंड नॉट, पर्टिकुलरली दवाई दे देंगे। ठीक है, मेरे को दवाई मिल चुकी है, लेट्स गो। अभी खा लूँगा, थोड़ा सा सर पकड़ा है हाई एल्टीट्यूड की वजह से, दैट विल डू। वॉन्ट टू We are almost midway to the track and yep, we'll do it anyhow. Very करना ही है भाई। Okay, and look at this beautiful view, man. Yeah. Beautiful view, huh? Ooh. Walking like this. Better than anything. Let's go. बी फाइंडिंग इट वेरी ईजी, बट आप देखो रूट, चढ़ाव वाला रूट है ना, इस पर आदमी की फट जाए भाई, लिटरली। हाँ मतलब ठीक है, मेरा अगर सजेशन मानो, व्हाट आई एम टेलिंग इज, पहलगाम रूट से आओ, अल्टा रूट से नीचे जाओ, दैट रूट भी बेटर, क्योंकि ना थोड़ा सा चढ़ाव है अच्छा खासा। एक अभी जाते हुए तो नहीं है, बट हाँ जब आप एसेंड करते हो, ऊपर चढ़ते हो महादेव के पास में, देन आपको मिलता है तगड़ा, तब लगती है वाट। सो मेरे को तो थोड़ा सा अभी मेरा थोड़ा हल्का फीवर आया है, इसके कारण मैं इतना नहीं है, बट इट इज़ लिटिल बिट टफ। प्लान अकॉर्डिंगली मैन, आई एम टेलिंग इस कि पहलगाम रोड से आओ एंड बालटाल रोड से नीचे जाओ, सुपर कूल। उससे That's what I'm feeling. Do as you wish, but just I want to sell you something. इसलिए बता रहा हूँ। Thinking कि क्या ही से चीज़ है, ग्लेशियर कॉमन तो दिख ही रहा है लाइक एवरी टाइम, माउंटेन्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट वन थिंग आई हैव नोटिस दिस ईयर इज, आई मीन देयर इज वन मोर गुफा देयर, इट्स अनएक्सप्लोर्ड, बट चढ़ाई आई मीन ऊपर से आप रैपलिंग करके आ सकते हो, इट इज़ देयर, लाइक दिस थिंग फैसिनेट्स मी, लाइक इतना सुंदर जगह। ओके एंड सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, ब्यूटीफुल ना, वाओ। And I know that I've done it, and भाई बाल्टा भी मीटर के इस टाइम देखते हैं वहाँ पर जाकर क्या जुगाड़ होता है, बस उसका हो जाता है कि नहीं होता है। तो इस स्थिति में गणेश मुखी वो भी लेना है, गणेश मुखी रुद्राक्ष, प्रीटी मच बिग डील, लेट्स गो देन। महाराष्ट्र, जय जय शिवराय, जय दिस इज मोर देन हेवन, लुक एट इट, अभी ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर्स बचा है, सो लेट्स डू इट ऑन आवर पेस। दवाई असर दिखा रही है, आई एम डूइंग प्रिटी वेल, जय भोलेनाथ, लेट्स डू इट नाउ। 5 किलोमीटर्स है, वी डू इट, लुकिंग लाइक फॉर 10 मिनट्स ओनली, आई सीन अ लंगर हियर। See the amount of things we are getting here, chawal, chole, it's chole na, yeah chole and dal, so I'm thinking sevai, thank you।
to the season, because I really wanted to be light, nothing else. Let's do it. We are at the base camp now. Hardly 1 kilometer होगा. We are there. So planning है base camp की है कि हम तो पहुँच गए 2-3 घंटे में. ठीक है, मैं 1:30 या 1:45 बजे निकला था एंड करंटली टाइम पूछते हैं यार. ठीक है, यू विल नॉट बिलीव मी. देन आई विल आस्क समवन. भैया टाइम क्या हो रहा? आइडिया नहीं है. 1:45 बट या प्लानिंग ये है कि बेस कैंप पहुंच जाते हैं एंड देन जाके पूछते हैं कि टिकट विकेट का क्या जुगाड़ है. नहीं हुआ तो यहीं रह जाएंगे बेस कैंप में, और अगर है तो भाई पहली फुर्सत में ही करते हैं. ट्रेन मिस हो जाएंगे एंड देखते हैं फिर पठानकोट उतर के क्या जुगाड़ है, क्योंकि पठानकोट उतर के कुल्लू जाना है, फिर कुल्लू से आई एम पुटिंग इन द ऑन द वीडियो बिकॉज मन तो एकदम से नहीं है, क्योंकि तबीयत एकदम से थोड़ी सी वीक सी चल रही है. सो चिकन महादेव कर लेते हैं फिर से. अब इतने दूर आए हैं, कब आने का मौका मिले हिमाचल एंड ऑल. ठीक है, तो जो उसके बाद 2-3 स्टेशन बाद पहुँचता है पठानकोट हिमाचल, तो विश हिमाचल प्लान कि चिकन महादेव कैसे करेंगे. ठीक है, ऑलरेडी इतने दिन की छुट्टी तो हो ही गई है, लगभग 1 वीक होने को आ रहा है. तो लेट्स डू इट. ओके, प्रीटी कूल ना, प्रीटी कूल. यप, वी आर वेरी मच नियर बेस कैंप एंड या एज यू कैन सी मैनी थिंग्स आर रिटन लाइक दैट. ओके, जम्मू 350, ले 327, सोनमर्ग. इन द विंटर्स ना सोनमर्ग की एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, जमा कर दूँ. ओके, नहीं पाया बट रायलपथरी, बलारी मार्ग, वाई जंक्शन जो आता है, फिर उसके बाद काली माता टेम्पल, संगम, होली केव. ये प्रीटी गुड है, बट वही है कि थोड़ा सा स्टीप है, लाइक प्रीटी स्टीप. तो केयरफुल दैट थिंग, स्टीपनेस के लिए आप थोड़ा सा बच के रहिए, अदरवाइज क्या होगा कि पता नहीं चलेगा. और थोड़ा सा एल्टीट्यूड का फ़र्क पड़ जाता है, बी केयरफुल ऑन दैट. ओके, एल्टीट्यूड वाले मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहना ऑलवेज. एंड वी आर वेरी नियर बैक टू आवर बेस कैंप एंड लेट्स सी विल गेट आवर बस और नॉट, बिकॉज बस मिलना साथ इम्पोर्टेंट है. तो फ्री बेस कैंप इज देयर, लाइक आर्मी, CRPF, बॉर्डर रिजर्व, बॉर्डर सिक्योरिटी, PSF, एवरीथिंग. तो या गोइंग एंड दिस इज समथिंग, व्हाट आई एम टेलिंग इज कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला ना, ये बीकन वाला समथिंग कुछ भी बहुत ज़्यादा इन लोग का नाम है अगर महादेव, बट बीकन एक प्रोजेक्ट शायद है जिनको शायद 2-3 साल और बीजेपी सरकार रहेगी ना, तो ये जगह को पूरा मतलब जन्नत बना देगी. जन्नत है पहले से ही, बट वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी व्हाट इज़ इट, वेरी एक्सेसिबल. प्रीटी गुड, 1 day track done. Finally, we are here at the Baltal base camp. And yeah, it's pretty well. Pretty. Let's ask bus bus का क्या जुगाड़ है, क्योंकि बारिश वारिश हल्की फुल्की हो रही है. एंड या दीदी का गणेश मुझे रुद्राक्ष भी लेना है, तो जम्मू कश्मीर RTC टिकट
बैक टू जम्मू तवी। हैज बिन डन, ये टिकट है मेरी और इसी से निकलना है। तो लेट्स गो डू इट। एंड मैं पूछ लेता हूँ यार, ये टिकट आज ही निकलेगी ना, मतलब मैं भी चुकती हूँ साला। लेट्स गो सर, ये टिकट आज, ये बस आज 3 बजे निकलेगी ना। ओके, तो या लेट्स गो। और लेट्स सी, सेकेंड जॉब बचा है दीदी का, गणेश मुखी लेने का। विल डू इट, इज द केस, लेट्स डू इट। हर हर महादेव। बारिश भी हो रही है यार, अभी क्या मौसम है यार यहाँ पे, कब बारिश हो रहा है कब हो रहा है पता नहीं चलता। पोस्ट अगेन, लेट्स गो। एंड दीदी का भी जुगाड़ करें, बारिश में भीग भीग के यार दीदी तेले हर चीज़ जुगाड़ करना पड़ता है। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेनबो, दैट टू डबल। एंड भाई साहब, जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट थिंग मैन, आई मीन गजब भाई साहब, ओह द बेस्ट। लुक एट इट भाई साहब, मतलब सुंदर कुछ हो सकता है हाँ भाई। बारिश ना होती ना तो मैं जाता हूँ जहाँ पे पोजीशन पॉइंट है उसका, आई मीन डबल। लेट मी फोकस ऑन द मेन पे, ज़्यादा क्लियर आएगा। मीन या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल या कौन मैं भाई साहब, क्या क्या दिखाएगा जम्मू, लुक एट इट, एंजॉय इट। ये आपका हसलिंग डीमन ये सब चीज़ कर सकता है आप, बारिश में भीग भीग के सारे जुगाड़। लुक एट इट मैन, जस्ट लुक एट इट, द ऑडेसिटी ऑफ डबल रेनबो, दैट टू वेरी क्लियर। इतना बड़ा रेनबो मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में यार। महादेव कृपा करे भोलेनाथ। वाओ मैन, आई मीन जस्ट लुक एट इट है साहब। अभी बहुत धूप भी पड़ रही, बारिश भी हो रही ना, उसके कारण शैटरिंग इफेक्ट हो रहा है। दैट्स लुकिंग सुपर कूल। Now let's go and see दीदी का गणेश मुखी। सिस्टर गणेश मुखी, yesterday only I should have bought it, but मेरी कल चूल थी, मेरे को लगा ऊपर जाके मिल जाएगा, but not getting it. So I'm trying again. Get it. के लिए नौ मुखी, गणेश मुखी ऐसे लगा दे सर, ऐसे लगा दो, पर इधर पक्का रहने को ना, पक्का रहेगा, निकलेगा नहीं वैसे, हम लगा देंगे अपने हिसाब से, कोई टेंशन की बात। तो फूल निकालने से क्या दिक्कत, फूल निकालने से बढ़िया लग जाएगा क्या? नहीं खाली है, जैसे ये फूल में दब जाएगा ये रुद्राक्ष, अभी फूल निकालोगे ना तो ये पूरा खुला दिखेगा, नीचे में खुला दिखेगा ना, जैसे फूल की तरह दिखेगा ये। हाँ तो वैसे ही करो फिर, वही बता रहे हैं। लेडीज लोग का ना शॉपिंग बोले ना, क्या यही काम होता है? गणेश मुखी, रुद्राक्ष, दैट टू फॉर सिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लाइक इफ यू वांट टू बाय द रुद्राक्ष ना, ऐसे ही लेना, जब आप ना खोल के लोगे ना फल में से, यू विल गेट अ बेटर रुद्राक्ष। ओके, गेट लाइव अब्यूज, सिंथेटिक बहुत होते हैं। ओके, बी केयरफुल फॉर दैट। ओके, प्रीटी गुड।
What I'm telling is, let's go and have our langar. I guess this will be the last one here, because I guess next year we'll come for sure, and then we'll have more langar. The sister, I guess. Let's do it. Oh my god, langars are getting better and better. Wow. So Mahadev. Let's see what we have. I haven't liked lunch because already too much of things I've eaten today. So mostly I will take rice only. Thank you. Lunch is ready and I will sit and eat it because I'm pretty hungry. पता नहीं लोगों को इतना राजमा क्यों पसंद आता है ऐसे. हाहाहा. I enjoyed it. Totally is a vibe here. Like everywhere you can see. Yep. One thing I've left is one thing that I have to buy a photo of Amarnath ji. So let's do it. Okay. I'll buy a photo of Amarnath ji and I think the shopping will be done for now. Update regarding the everything. I just want to tell you that. अभी चल रहा है 9:18 एंड मैं अभी टेंट में आ चुका हूँ. ठीक है. मैनी पीपल आर स्लीपिंग लाइक दिस एंड मैं भी सो रहा हूँ क्योंकि 6 घंटे क्या करूँगा मैं. 2 बजे उठ के जाना है. तो उसको मैंने 100 रुपये दिए एंड वो सो रहा हूँ. ये बैड न्यूज़ है. वो बैड न्यूज़ है कि आप ही देख लो श्रीखंड महादेव यात्रा. यह यात्रा दिनांक 7 जुलाई 2023 से 7 जुलाई तक होगी. सब स्थगित हो गए. इम्पोर्टेंट श्रीखंड महादेव टर्मिनल विद इमीडिएट अराइवल. क्या किया जाए भाई. ऐसा ही होता है. 5 जुलाई तक था. अभी आज 6 अगस्त है. सॉरी 7 अगस्त है. This one cannot be done this year. 2023 में ये बंद है. ये कहते हैं ना मैं जब से यही काम कर रहा हूँ लाइक आई वॉज हैप्पी कि मैं जा सकता था. प्लानिंग तो पूरा था बट नहीं जा पाएगा क्योंकि 7 जुलाई तक ही था लास्ट डेट. अब 20 जुलाई तक सॉरी अनाउंस की भाई. अभी तो कम से कम 15-20 दिन में लेट हूँ. चलो कोई नहीं कुछ और जुगाड़ देखते हैं. दिल्ली पहुँचने के बाद देखते हैं कि कहाँ पहुँचा जा सकता है. एक जगह ऐसी ना हो तो आई विल जस्ट बी एक्सप्लोरिंग विथ यू. देखते हैं. हर महादेव. तो भाई साहब अपनी बस के और नींद प्रॉपर तो ही नहीं. वैसे करंटली 2:30 बज रहे हैं एंड मैं जा रहा हूँ अपनी बस की तरफ बिकॉज़ वो भी ज़रूरी है.
नहीं तो छूट गई तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। 200 रुपये दिए हैं तो इसको मैं ना भी लेट हो चलेगा, अपने को बस में छूटनी चाहिए भाई क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है भाई। पड़े रहो यहीं पे पूरा एक दिन फालतू में, और ऐसा भी तो नहीं है कि जाके फिर से दर्शन हो पाएंगे, है ना, जय राम जी के। ऐसा भी नहीं है कि फिर से दर्शन हो पाएंगे, तो लेट्स गो एंड डू इट। एकदम फ्रेशन अप भी नहीं हुआ हूँ यार, इतना 1:30 बजे का अलार्म लगाया था साला, नींद खुलते खुलते ना 2:45 बज गए यार, सॉरी। तो बस भाग निकल रहा हूँ, देखूँगा कहीं बीच बीच में फ्रेशन अप हो जाऊँगा, बस ये छोटी यार के लिए जय भोलेनाथ। इसको ना डू इट, रोज छूट जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं रात में बताना भूल गया था कि और आई एम प्लानिंग इज कि लेट्स गो केदार कांता उत्तराखंड, बिकॉज ऑलरेडी वी आर गोइंग टू दिल्ली, देन वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून 6-7 घंटा लगता है, गो टू साकरी केदारकांता। केदारकांता क्यों ज़रूरी है, क्या है केदारकांता का सिग्निफिकेंस, जस्ट टेल यू मोर ओके, बिकॉज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैक ऑफ माई लाइफ। बस सीधा नंबर चढ़ते हैं ऊपर क्योंकि ज़रूरी है भाई, जो एक भी हालत ख़राब होगी ना, हालत की भी हालत ख़राब हो जाए, ठीक है। एक दिन और रहना इसका मतलब केदारकांता ट्रैक मिस करना, क्योंकि भाई बहुत ताम जाना है केदारकांता के लिए भी। दिस इज माई गाड़ी 1124 नंबर सीट, कन्फ्यूज हो गया था मैं, लिखना था ना क्लियरली JK01 1124 ऐसा लिखा हुआ है। गुड माई टिकट 24 नंबर हल्का नहीं हुआ, जब तक हल्का नहीं होता हूँ ना चढ़ा है कुछ भी खाना नहीं होता सुबह सुबह, बस दिक्कत ही है कल मैंने सिर्फ राइस ही खाया, कोई है को कुछ हो नहीं रहा, देखते हैं समय आगे चल के क्या हो जाता है, धीरे धीरे देखते हैं आगे निकलो, पहले तो वैसे क्या ठंड पड़ रही ना सोचो आप यार। चैनल का नाम लिखता है टीम बस स्टॉप, बस उसका एक रीज़न है क्योंकि पता नहीं लिटरली आना कब हो ना हो, क्योंकि हेल्थ का कोई कुछ बता नहीं सकता है, फैमिली कंडीशन को भी बता नहीं सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बता नहीं सकता है। लास्ट ईयर मैं इतना डिप्रेस था, ब्रोक था कि कुछ भी नहीं कर पाता था, एंड जिससे ये है कि महादेव के दर्शन हो रहे हैं साक्षात, बात ऐसी है कि तो बस में चढ़ने वाले हैं, बस एक अब हो गया एक बार विश कर लें महादेव। Reached somewhere in the middle and I felt asleep because I slept now. It was 3 in the morning and bus took off very late, usually 5 a.m. the bus took off, and इसके लिए लगा कि यार सो जाते हैं, सो गया मैं, बहुत ठंड आ रही है ये तो, दर्द को निकली है। Hello।
जम्मू लिटिल गांव एंड सुंदर एंड प्लानिंग ये है करते बराबर जम्मू तभी में ट्रेन देखते हैं कि ट्रेन कोई मिल जाए दिल्ली तक के लिए कि अपन निकल जाए फिर वहाँ से एंड देन फ्रॉम दिल्ली देहरादून ठीक है. यप द प्लानिंग इज सुपर सिंपल एंड लेट्स होप कि सब कुछ सही हो जाए. बढ़िया मेरे को नींद आ गई थी यार तो हो जाता है कभी तो नींद बहुत तगड़ी पड़ जाती है बस यार थोड़ा बुरा तो लगता ही है कि जब आप अच्छी सी एक दर्शनीय जगह से आप जाते हैं जैकू महादेव जी जगह से बुरा तो लगता ही बट लाइफ इज ऐसे ही है लाइफ अच्छा तो या स्टॉप समवेयर लाइक दिस पता नहीं हॉल्ट सा हुआ है. वह 5 बजे चलने के बाद अभी 11 बजे एक हॉल्ट हुआ है फॉर लाइक आई डोंट नो व्हाट रीजन. विल सी पहले जाके थोड़ा सा हल्का होते हैं ठीक है एंड विल सी व्हाट इज देयर. बढ़िया मैनी थिंग्स आ गया लेट्स गो. I'm looking very bad. I know that. चलते हैं देखते हैं क्या है. Thing and here is this yatra that is permanent. This thing is also permanent. The langar, the bhandara. Let's get freshen up and let's get eat something because. आई वॉन्ट टू रिली रिली बैड. वो पे 5 बजे से हालत ख़राब हो गई. लंगर गोइंग ऑन यू कैन सी देयर ऑल्सो फुल सिक्योरिटी मैन एक चेकिंग की मिला तो आ नहीं दे रहा है. हम चलते हैं थोड़ा हल्का हो ना देन चलेंगे जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे ठीक है. बस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके. हालत नहीं तो ख़राब हो जाएगी क्योंकि तो अभी रात शाम के 6 बजे उतारेगा. यू अंडरस्टैंड ना द अमाउंट ऑफ थिंग्स आई विल गेट. फूड हैज बीन डन दिस इज द फूड एंड आई एम जस्ट गोइंग फास्ट. मस्ट टेल यू The food that delicious, yeah. Super delicious. मैं हूँ नागपुर महाराष्ट्र के बहुत में बट मैं अलग महाराष्ट्र से हूँ थोड़ा डिफरेंट. मुंबई महाराष्ट्र नहीं नागपुर महाराष्ट्र विदर्भ साउथ के तरफ जो आता है साउथ की तरफ. तेलंगाना बॉर्डर पे अभी कहाँ गए एमपी. एमपी कहाँ पे एमपी रतलाम. अभी मैं ओमकारेश्वर के लिए आया था खंडवा भोपाल निकलते उधर से महाराष्ट्र लग जाता है. हाँ काफिला इज गॉन एंड एवरीवेयर वी गेट दिस टाइप ऑफ लाइक जारे हम चलेंगे बोलो जारे सी के नजारे PM and बहुत बस खाली हो चुकी है सोच रहे हो गए क्योंकि पीछे कटरा आता है यही रास्ते में तो कटरा भी बहुत दूर उतर गए
लिए लोग ना क्या करते हैं, पहले घर के दर्शन कर लेते हैं एंड देन दे गो विजिट कटरा जम वैष्णो देवी। कूल थिंग मेरे को मेरी वो फैमिली थी उन्होंने खुद ही पापा थे तो मेरे को पहले से ही पहले वैष्णो देवी जाना था कि बिजी है इसलिए हम पहले ओला कर लिया था मैंने, फिर मैं अमरनाथ आ गया। तो बोला चलेंगे कि जम्मू चलते हैं, ठीक है फ्रेशन अप होते हैं एंड प्लान करते हैं उधर जाने का, दिल्ली की ट्रेन पकड़ने का, ठीक है डू इट एंड वी हैव टू डू इट। इसको ज़्यादा दूर है नहीं, अभी 40 किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं, 40 किलोमीटर। वन मोर थिंग इज दिस, आपको मैं बाहर के नज़ारे क्या दिन हूँ हमेशा यही दिखते हैं, जम्मू में कॉमन है लाइक लोग कह लेते हैं and we have reached to the station, let's go। अब आपको मैं क्लियरली बताऊंगा स्टेशन कैसा है जम्मू कभी का एंड थोड़ा सा डस्टी वाइन होता है फैशन अप घूमूंगा प्रॉपरली अभी, ठीक है फैशन अप एंड देन आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। ये बस स्टैंड जम्मू का तो थोड़ा आगे ही स्टेशन पड़ता है, तो इन द इवनिंग एंड वी आर ऑलरेडी एट द जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, सो नाउ नथिंग इज प्रॉब्लम, सबको सॉर्टेड है। एक दिल्ली की ट्रेन है जो हमको मिलती है आई गेस, तो ये एक दिल्ली की ट्रेन है जो 5:30 बजे शाम में, अभी से 1.5 घंटे बाद, और एक है 6 बजे, ठीक है ट्रेन का नाम बताऊँगा 6 बजे रही तब पहुँचोगे, उसका नाम है पूजा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, तो हम सुपर फास्ट ही पकड़ेंगे बिकॉज बेटर है, एक है और जम्मू मेल बोल के बट वो बहुत लेट लगती है इसकी टाइप से, तो मैं जाऊँगा ना लेकर, तो लेट्स गो अपन चलते हैं। RFID कार्ड इधर नहीं बन रहा है अभी फिलहाल में, बट बनता तो इधर ही है, आई डोंट नो। हाँ यही इधर ही बनता है RFID कार्ड सबका, अगर आप अगर जल्दी आ जाते हो तो आपको जल्दी बन जाएगा, ठीक है तो RFID कार्ड इधर ही बनता है, आई हैव टू गो इनसाइड लाइक दिस to go inside like this and आधार ऑडी आपका सारा जो भी है, ठीक है आप देख सकते हैं आप तो कुछ लड़के हैं मेकिंग इट, अपना वो लेके आ जाइए वॉट इज डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने परमिट वर्मिट बन गया है और जब डायरेक्ट आके आप RFID कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। बेटर वे गो टू भगवती नगर ओनली एंड मेक इट, इधर लाइन में लग के भी मतलब है नहीं। हाँ अगर आपका टिकट विकेट बनने का जुगाड़ हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ यू फालतू में इधर बना ही मतलब, तो चलो चलते हैं। वी आर एट द जम्मू तवी रेलवे स्टेशन एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि जम्मू मेल, सुने आपने जम्मू मेल है उससे ही निकलते हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। देखिए
जस्ट 15 मिनट में आने वाली है जम्मू तभी। मेरा क्या बोलना है ना कि बैटरी हो गया। मेरा क्या बोलना है कि what आई एम ट्राइंग टू से इज कि इससे निकले ये जो 6:10 पे पूजा सुपरफास्ट से निकले जो खाली मिल जाए, पहुँच रहे ना मेरी पास जो खाली मिल जाए, क्योंकि भरी वाली से जाके मतलब नहीं है। ठीक है एंड लेट मी जस्ट टेल यू फैशन अप अदर फैशन अप हुआ एंड फीलिंग ऑल राइट नाउ। प्रेशर कर लिया, फैशन अप हो गया, तो फील्स लाइक अ न्यू वन। एंड ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए अच्छा लगता है। एग्जैक्टली न्यू जर्नी है क्योंकि आप देखो ना, घर से बल्लाशाह से दिल्ली 20 घंटे लगते हैं, 20-22 घंटे। ठीक है एंड फ्रॉम देम वी हैव टू कैच फ्रॉम देयर टू देहरादून 6-7 घंटे से। ओके तो मेरे को उतना ही लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा एक चीज है कि 10 घंटे कम पड़ गया। अभी 6 बजे निकलूँगा, कल पहुँचूँगा 3:30-4 बजे। ठीक है सुबह। एंड देन उसके बाद एक और दिक्कत है कि आई हैव टू कल तो मैं देहरादून पहुँच ही पाऊँगा देहरादून, कल मेरे को पूरा दिन लग जाएगा देहरादून पहुँचने में, 6-7 घंटे देहरादून पहुँचूँगा। ठीक है देन उसके बाद एक और लफड़ा ये है कि आई हैव टू देहरादून से जो आपका केदारकांता ट्रैक है उसके जो बेस विलेज है साकरी विलेज, ठीक है साकरी, उस तक पहुंचने के लिए आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, यदि मुझे जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो रात सुबह 6 या 7 बजे एक बस निकलती है, ठीक है साकरी के लिए, उसके बाद फिर बस थी। तो मेरे को सुबह पहुँचना है नहीं, कल तो मैं अगर 2 बजे पहुँच जाऊँगा दोपहर में देहरादून, सब कुछ प्रॉपर उतना नहीं है, बट ये आया तो मेक इट प्रॉपर मेक इट हैपन। प्लान डू इट। लकी न्यूज़ फॉर मी दैट दिस ट्रेन फ्रॉम जम्मू तवी टू सी मी फ्रॉम जम्मू तवी टू कानपुर, ओके दिस विल टेक मी टू 1 AM ऑन सहारनपुर आराम से, एंड फ्रॉम देयर वी कैन कैच अवर अवर ट्रेन टिल देहरादून। वहाँ देहरादून ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, बहुत फास्ट है, 3-4 घंटे रहता है, और तो ये 1 बजे तक छोड़ देती है और हम देहरादून आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स डू इट। ओके लेट्स डू इट। ये हार्डली मेरे को 1 बजे छोड़ देगी, मेरे को ये आइडिया नहीं था ट्रेन का, आज के हम बताइए मेरे को यहाँ का इतने रूट पता नहीं है ना, लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी रूट्स आर देयर, बट या इधर ये ट्रेन जम्मू तवी से डायरेक्ट आपको छोड़ देती है कहाँ तक, सहारनपुर तक, और सहारनपुर से देहरादून हार्डली से हार्डली 2-3 घंटा, अगर 1:30 बजे भी छोड़ती है, अगर मैं देहरादून अगर 6 बजे तो ही पहुँच जाता हूँ ना, तो मेरे को मेरी बस मिल जाएगी, कल का कल इट पर हो जाएगा ट्रैक का। ट्रेन को दिस इज द ट्रेन एंड इट्स प्रीटी मच एम्प्टी, आई एम लकी दैट इट्स देयर, लेट्स डू इट एंड सेट, अदरवाइज ये भी टूटना जाए। सहारनपुर अगर 1:30 बजे छोड़ देगी है तो आई हैव अ चांस, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ चांस, कल मैं बस पकड़ सकता हूँ, मतलब इतनी भी किस्मत खराब नहीं है। सर सहारनपुर जाती देखेंगे
कोई ना कोई सीट पे बैठ जाते हैं। हमारी हालत देख नहीं है ज़्यादा नहीं, 6 घंटे का रास्ता है बस, थोड़ी दूर बैठे ना। बस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये देहरा बस स्टॉप टू साकरी। साकरी जो है चलियो इट इज़ अ बेस विलेज टू केदारकांता ट्रैक। एंड साकरी पहुंचने के लिए आपको जो गवर्नमेंट बसेस है एजेंसी फाउंड एट 8 AM, तो 1:30 बजे मैं अगर इधर पहुंच जाता हूँ सहारनपुर, 1:30 बजे से अगर मेरे को 6-7 घंटे का भी समय मिल रहा है, अगर मैं 8 बजे तक देहरादून पहुँच जा रहा हूँ तो बल्ले बल्ले आई कैन डू इट फॉर श्योर, इफ नॉट वी विल फाइंड सम अदर। और सहारनपुर बता दूँ, सहारनपुर में पहले रह चुका हूँ, मैंने पीपल इफ यू नो इट क्लियरली लिसन माई ब्लॉग वॉट एवर शेट आज से। सहारनपुर पहले मैं सहारनपुर में जॉब करता था, आई वॉज लाइक पेपर इंडस्ट्री, आई नो सहारनपुर वेल, आई विल डू इट एनी हाउ, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी है, बट आई विल नॉट बर्डन ऑन एनीवन एल्स, जस्ट डू इट ऑन माई ओन एंड देखते हैं कि कुछ और जुगाड़े हम शायद आई विल टेल यू, बट अभी के लिए तो जुगाड़े हैं कि सहारनपुर से डायरेक्ट मिलेगा। लव यू। आई विजिट दिस प्लेस इन माई लाइफ, आई गेस नेक्स्ट ईयर ओनली, बिकॉज अमरनाथ इज like two things I'm telling you, Amarnath and Kedarnath, that's two places I want to visit every year, like with someone or with alone, I don't know, because that the place is, I mean I can't explain you, if you come here now then only will इतनी अच्छी जगह मैंने लाइक नहीं की, माधव कृपा करें चंपा डिप्रेस हूँ, मुझसे ही आशीर्वाद मिला है कि मैं केदार कांटा का ट्रक करने पर जा रहा हूँ, वरना मेरी हिम्मत नहीं थी भाई, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ घर, बट महादेव दास एनर्जी एंड उनकी कृपा से आगे बढ़ते हर महादेव। मैंने जगह कैसे चेंज कर दी, तो आई एनी थिंग नहीं सॉरी आई डोंट हाइड एनी थिंग फ्रॉम यू एंड लेट मी जस्ट टेल यू, सिटी वाला आया था एंड मैं मुझे टिकट निकालता हूँ, फिर इस बार नहीं हुआ जुगाड़ क्योंकि ना व्हाट हैपेंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, व्हाट हैपेंड की मैं जैसी तो आपको पता है रैंडमली मैंने ट्रेन चूज की, लाइक मैं मेरा तो जुगाड़ था पंजाब और जम्मू में से जाने का दिल्ली तक, बट ये मेरे को सहारनपुर तक मिल गई, तो मैं बोला चलो इसी से चलते हैं, आ दे रही थी मैंने टिकट दिल्ली की जा रही है सहारनपुर, कुछ नहीं टीटी भी समझ गया कि भाई अमरनाथ से आया है, और मैं बताया कि सर अमरनाथ थोड़ा सा सहारनपुर जाना है काम है, समझ गया 200 रुपये फाइन लिया मेरे से, तो इसलिए मैं फिर अभी यहाँ पे आ गया, ऐसा ही है सब कुछ बताया मैंने, सुधर ऐसा ऐसा बात है थोड़ा जाना ज़रूरी है ये वो, मैं ये नहीं बताया कि ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ वरना बहुत चार्ज मारता हूँ, उन्होंने सब बताया और 200 रुपये चार्ज मारा, लेकिन ठीक है थोड़ा देर बाद मोबाइल चार्ज करूँगा, इधर ही चार्ज मार, ट्रेन पूरी खाली है, हफ्ते में 2 दिन चलती है, चल रहना है, 8 बज चुके हैं ऑलरेडी, 1 बजे अपने को उतरना है सहारनपुर, फिलहाल बात दिक्कत ये है कि थोड़े पैसे कम है अभी, और फिर को घर भी पहुंचना है, सॉरी ट्रैक भी करना है, घर भी पहुंचना है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है, महादेव कृपा, मैंने आशीर्वाद मांगा था ना उनसे, फिर आशीर्वाद बना दूँ मेरे को, शायद वो मेरे को डीमन बना रहे हैं, डर महादेव जय भोलेनाथ।
प्यारा लुधियाना स्टेशन और ये मेरी ट्रेन है जिसे मैं जा रहा हूँ। पानी ले लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। तो बस टिकट एंड लीव। ओके करंटली 1 बजा है रात का। ओके एंड आप देख सकते हैं अच्छी खासी नींद में था मैं। चलो कोई नहीं, पहले अगर थोड़ा पूछ लेते हैं कि वो ट्रेन में है क्या यहाँ से देहरादून के लिए। टाइम देख लो, हम 1 बज रहा है। डाउन चलते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं कि भाई देहरादून को ट्रेन मिल जाएगी। मिल जाए तो वेरी गुड है, बहुत पैसे बच जाएंगे। और हम लोग बस करना पड़ेगा ना, बस बहुत महंगा लग गया यार। तो कोई नहीं, मैंने इतना आई है महादेव की कृपा से, थोड़ा थोड़ा चल लेंगे यार। अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको ये सहारनपुर स्टेशन के बारे में। लास्ट टाइम जब मैं अटेम्प्ट किया था केदारकांता, जब मतलब मैं बता दूं ये मेरा दूसरा टाइम है केदारकांता अटेम्प्ट करने का। तो लास्ट टाइम जब अटेम्प्ट किया था तो भी यहीं से अटेम्प्ट किया था, क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैं आपको गिनाऊँ मैं कब अटेम्प्ट किया था, 28 जनवरी 2021। ओके उस समय मैंने किया था। अब तो उस समय मैंने अटेम्प्ट किया था तो उसको भी मेरे को इसको भी मेरे को इस पर इससे करना पड़ा था। बट इसे फ्रॉम सहारनपुर से ही होकर मेरे को इधर जाना देहरादून जाना पड़ा था। ठीक है एंड आज अभी भी वहीं से करना पड़ रहा है। तो किस्मत हमेशा आपको कहीं ना तो कहीं तरीके से ना वहाँ से लेके चली जाती है। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स एंड डू योर थिंग्स। गलत होगा तो होगा, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, बट डू योर थिंग। केदारकांता ने मेरे को एक लिमिट लगा दिया था लाइफ में। लाइक मैंने ना उससे समय के बाद से यूट्यूब छोड़ दिया था। कहा था कि यार अब इतना अच्छा ट्रैक नहीं कर पाया, मतलब बहुत पास में जाके वो ट्रैक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि थोड़े से पैसे की कमी हो गई थी। दूसरा था कि घर वाले आए थे उसके कारण मेरे को ट्रैक नहीं हो पाया था। तो कभी भी ना ऐसा लूज होप लूज नहीं करना चाहिए, होता है। तो आज सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वो भी एकदम रैंडम, बिल्कुल रैंडमली। ठीक है तो देखते हैं क्या हो सकता है नहीं हो सकता। बट अभी तो सहारनपुर है, यहाँ से 68 किलोमीटर से पड़ेगा देहरादून। तो वी आर वेरी क्लोज, बट ट्रेन है कि नहीं है थोड़ा देख लेते हैं। एंड एक और जुगाड़ है कि थोड़ा सा टीटी का जुगाड़ है, तो टीटी वो खड़ा हुआ है एकदम लाइक दे आर चेकिंग टिकट्स। मैंने तो फाइन भरा है इसके कारण दिक्कत है, बट विल मैनेज। बस देखिए मेरे लोकेशन
से देहरादून बस स्टैंड, सहारनपुर से देहरादून बस स्टैंड, ओके, एक घंटा बट कोई ट्रेन नहीं, और टाइम भी देखो एकदम मस्त मस्त 1:19 हो रहा है, कोई ट्रेन नहीं है। और बाहर जाने के बाद मैंने अभी अंकल से पूछा है, जो पुलिस वाले बैठे हैं ना अंकल, वो अंकल जी, हाँ ये अंकल, तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई भी बाहर से भी कोई जैसा जाने का जुगाड़ है नहीं, एक बार जाके देख लो, चलो चल के देख लेते हैं कहाँ से चीज़ें निकल जाएंगी, बोलते हैं 5 बजे तक मिलेगा। 5 बजे मिला तो यार कोई 7 बजे तक छोड़ेगा और किस्मत अच्छी रही तो 8 बजे मिल जाएगी, बड़ा रूम फिंगर क्रॉस ही रखना है, वही हाल है यार, 24 घंटे बैठना है। खराब हो जाएगी भाई हालत, खराब हो जाएगी, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पता है आपको भी वहीं चल रही होती है, हालत खराब हो जाती है यार दोनों, आपको रहना नहीं लगाएंगे बस ऐसे ही पड़े पड़े रहना है, लगती ठीक हो जाएगा कुछ, महादेव की कृपा, हर हर महादेव। दिस इज सहारनपुर स्टेशन एंड I know every nook and trick. I came out from here like this and let's get the inquiry section out, man. मेरे को पहले जाके पूछना पड़ेगा कि I know सब believe नहीं कर सकता, जैसे आप कि अपने को कहाँ से मिल जाएगी अपनी देहरादून वाली, ठीक है फिर आप 2 बजे मिले तो सही रहता यार, है ही नहीं वहाँ खराब, सर देहरादून की कोई है क्या अभी करंट में देहरादून? नो, ठीक है लेट्स गेट आउट, बाहर जाके पूछ लेते हैं। अब 68 किलोमीटर आने के बाद आपके पास नहीं ऑप्शन ना, बहुत बुरा लगता है आई नो दैट, बट वी डोंट हैव एनी सो लेट्स गो। सहारनपुर रेलवे स्टेशन आउटसाइड एरिया लाइक दिस एंड ऐसा सा है, अनफॉर्चुनेटली पहले चल के इंक्वायरी कर लेते हैं, आई नो दिस प्लेस वेरी वेल बिकॉज ये यूपी में आता है, दूसरी बात ये प्लेस मेरे को, मैंने 1.5 साल काम किया है यहाँ पे, आई नो दिस प्लेस वेरी वेल, ये ऐसी सहारनपुर ऐसी जगह है जो हरियाणा उत्तराखंड एंड पंजाब सबको कनेक्ट करता है, तो ऐसा कुछ तो भी है। सहारनपुर हरिद्वार जा रही है, ओके देहरादून, सो दैट्स ऑफ बस देहरादून जर्सी, अपना जुगाड़ है क्या इसमें, यही वो जगह है जहाँ से मैंने फर्स्ट अपना YouTube स्टार्ट किया था, तो देहरादून बोल रहा है, तो वेरी स्पेशल टू माई हार्ट, मेरे को लगा था पहली बार यहीं पे लॉकडाउन में मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई वॉज सो वरीड दैट कि भाई हाउ कैन आई स्टार्ट माई यूट्यूब एंड ऑल, आई एम नॉट ए गाय, और दूसरी बात थी ये कि दैट वॉज लॉकडाउन का समय था 2021 में, इनिशियल्स में स्टार्ट किया था मैंने, तो यप दिस इज देहरादून फॉर मी and yeah man very very apni type ki vibe thi, main thoda sa juice pi raha hu, kya bataun yaar matlab kya jagah hai ye, let you know main I'll eat my juice, I'll tell you special status in my heart, to jaise se maine apni daily ki shuruaat लाइक फर्स्ट यूट्यूब वीडियो मुझे बड़ा था, लैपटॉप भी मेरा यहीं आया था, अब वर्किंग इन स्टाफ पेपर में पेपर मिला है यहाँ पे, बहुत पुरानी बहुत 100 ईयर्स होने को आ रहा है, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट
आउट ऑफ द स्टेट नहीं, मतलब आउट ऑफ स्टेट तो बहुत सारी पोस्टिंग हुई थी मेरी एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर, बट इधर मेरी फर्स्ट टाइम बहुत अलग से बहुत जो लोग समझते हैं ना, नाम मेरा नाम अजय सिंह है, लोग समझते हैं क्या यूपी का ही हूँ मैं, बिहार का ही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं रहने वाला होल पार्ट एंड स्टोल इज फ्रॉम डिवोटेड टू महाराष्ट्र, कैन नॉट बी हैपन दैट कोई और चीज़ डिवोट कर सकता है, मैं इधर का ही समझ लो, मतलब महाराष्ट्र का ही हूँ, व्हाट हैपेंड कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई, कैनन कैनन इवेंट जिसको कहते हैं ना, राइट, चले गए तो चलो अब पढ़ाई मैंने छोड़ दी, लाइक आई वाज प्लानिंग फॉर एमबीए आई एम से मैंने छोड़ दिया, मैं बोला यार हटाओ अब करना ही नहीं, किसके लिए करेंगे, मम्मी के लिए सही नहीं करने के लिए ना, तो फिर मैंने प्लानिंग की थी, अब एक ही चीज़ कर सकते हैं बिजनेस, बिजनेस 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 के पैसे नहीं थे और इतना तगड़ा दिमाग नहीं है कुछ नया इन्वेंट कर सकें, कर सकते थे पर समय लगता था, फिर एक ही ऑप्शन बचा, चलो 2021 में अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू किया जाए, कब आया हस्ती हिंदी में, ऐसा ही है कुछ कुछ शहर ना आपको खींच लाता है, लाइक जिस सहारनपुर स्पेशली हम चलेंगे अट्रैक्ट यू बैक, मतलब क्या ही बताऊँ ऐसी जगह ही कुछ है, मतलब है आई एम बैक एंड हेडिंग बैक टू देहरादून, महादेव की कृपा है कि एक ही दिन में अपना काम हो गया, मतलब ना तो कल के बिना तो मिलता नहीं था, तो होप अभी भी तो कितने देर में पहुँचती है ये ऐसी टाइप सी बस, फिर से आई गॉट अ टिकट 107 लिया उसने फ्रॉम सहारनपुर टू देहरादून, क्लियरली यूपी SRTC की बस है एंड शुटमालापुर जयपुर से है, ठीक है दूसरा बात ये है एक दो घंटे में दो टाइ ढाई घंटे में पहुँचा दे, अच्छा गुड थिंग अगर पहुँचा दे तो अच्छी बात है, दो बज रहा है ढाई घंटा बोले तो 4:30-5 बजे पहुँचा दे, मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, मैं आपको दिखा भी दूँगा देहरादून से कहाँ से मिलते हैं, और मेरे को सोचे हुए यार प्रॉपर यार मिलता हूँ मैं आपसे क्या बीच में कहीं कुछ होता है, मेरे एट द देहरादून स्टेशन एंड या दिस इज आवर बस सहारनपुर देहरादून, सो लेट्स गो, अभी हमको कहाँ जाना है सर, रात में बस चलती है यहाँ से, मैनी बस ऐसा दिया, सो लेट मी टेल यू आई वांट टू गो फ्रॉम हियर टू आके नाच रही हूँ, 3:15 हो रहे हैं, ओके लाइक 1.5 घंटे में फोर्ट के लागे थे, मैं उधर कहीं नहीं जा रहा हूँ, करेक्ट गूगल मैप पे एड्रेस डाल के निकला जाएगा, ऐसे वैसे कहीं नहीं जाऊँगा मैं, तो आपको तो पता ही है आपका भाई एकदम सेट जगह पर जाता है, सो या फाइनली एंड देहरादून जय भोलेनाथ, अरे यार मेरे को तो सब मिलता ही नहीं था, बढ़िया ये ऑफिस चल गया, लेट्स गो एंड सी व्हाट वी हैव एंड देन विल सी व्हाट वी कैन डू, हमको रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन के पास ही जो है वो मेरा वो है क्या बोलते हैं मेरा वाला बस स्टैंड है, ठीक है वहाँ पे बहुत क्लियरली वो बस स्टैंड छोड़ देता है,
कि आप बोलेंगे मेरे को कैसे पता है, बिकॉज मैंने ये सब करके बैठ चुका हूँ उसमें से।